सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी दोस्तों, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं लहसुनी पनीर। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, इसे हमने पीसेस में कट कर लिया है। अभी हमने लिया है कटा हुआ प्याज और हरी धनिया की पत्ती। प्याज को हमने बारीक काट लिया था। अब यहाँ पे लिए हैं हमने 2 कटे हुए टमाटर, इसे भी नॉर्मली पीसेस में हमने कट कर लिया था। अभी लिए हैं 10-12 लहसुन की कलियाँ छिली हुई, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हमें मिक्सर जार में डालकर थोड़ा पानी मिलाकर अच्छे से पीस लेना है। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा दोस्तों। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। अभी हमें कढ़ाई में गरम करना है सरसों का तेल। दोस्तों आप ये सब्जी सरसों के तेल से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे, नहीं तो आप अपना फेवरेट कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें डालना है 1/2 छोटा चम्मच जीरा और कटे हुए प्याज। इसे हमें 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है, जब तक प्याज का कलर लाल नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन। अभी डाल देना है हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भी 2 से 3 मिनट तक लगातार हमें भूनना है। अभी हमें मिला देना है कटे हुए टमाटर और तुरंत से ही मिला देना है नमक। दोस्तों यहाँ पे हमने सादा नमक नहीं डाला है, काला नमक का यूज़ किया है। आप बनाकर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसे भी 2 से 3 मिनट तक हमें लगातार भूनना है, जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखो दोस्तों, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी हमें इसमें कुछ मसाले मिला देने हैं, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। इसे भी 2 मिनट तक हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। दोस्तों मसाले हम मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे, फिर फ्लेम को हाई करके पनीर को हमें भुनना है 2 से 3 मिनट तक। जब तक पनीर से तेल अलग नहीं होने लग जाता तब तक हम इसे भुनेंगे। ऐसा करेंगे आप तो मसाले का फ्लेवर पनीर में बहुत अच्छा आएगा। तो अभी 2 से 3 मिनट तक ये देखो दोस्तों हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा मसाला ये भुनकर तैयार हुआ है और इसमें से तेल भी अलग होने लग गया है। अभी हम मिला देंगे इसमें 1 कप पानी, 1 से 1.5 कप ही पानी लेना दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि पानी में बहुत अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। अभी जब अच्छे से उबाल आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद इसे हमें ढक कर सिर्फ 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, वरना इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही डिस्टर्ब हो सकता है। देन ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। आप जिस भी प्रोसेस से हमने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो ये सब्ज़ी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपके घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों अभी हम डाल देते हैं खास इंग्रेडिएंट, वो है धनिया की पत्ती। इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, तो इसे अच्छे से हमें चला देना है। तो दोस्तों ये बनकर तैयार है लहसुनी पनीर। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठा जिसके साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। लंच, डिनर में भी बना सकते हैं। तो मिलते